दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे अब फेरी बोट की भी सुविधा टूरिस्टों के लिए शुरू की जाएगी। हम आपको बताएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो नया ब्रिज बनाया है और उसके पीछे जो पुराना ब्रिज है, उसका जो बीच का जो भाग है पुराने ब्रिज का, वो तोड़ा जा रहा है। और जो अभी जो नर्मदा नदी का ये जो मेन प्रवाह है, इसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन जब वियर डैम है इसके ऊपर पानी भरेगा तो पूरे एरिया में पानी भर जाएगा। और यहाँ से टूरिस्टों के लिए फेरी बोट सुविधा शुरू की जाएगी। करीबन 6 किलोमीटर की जो ये फेरी बोट सुविधा है वो टूरिस्टों के लिए शुरू की जाएगी। फिलहाल हम ये जो फेरी बोट है इसके अंदर है और हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर किस तरह की फैसिलिटी है। ये करीबन 200 जितने पैसेंजर इसमें बैठ पाए, इस तरह की सुविधा इस फेरी बोट के अंदर की गई है। हम लोग अब यहाँ पे जो काम चल रहा है वही देखने आए और अंदर जाके आपको बताएंगे कि किस तरह की इसमें सुविधा है। तो हम लोग अभी जो ये फेरी बोट के अंदर आ चुके हैं और आप देखिए कि कितना बड़ा एरिया है। पूरी यहाँ पर फैसिलिटी टूरिस्टों के लिए रखी जाएगी। टूरिस्ट यहाँ पे एक खुले वातावरण के अंदर आराम से फेरी बोट के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जल मार्ग के जरिए जा पाएंगे। यहाँ पे टूरिस्टों के लिए खान पान की भी व्यवस्था की जाएगी। और ये जो फेरी बोट है इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा दृश्य कि यहाँ पे जो चेयर वगैरह है उसका फिटिंग किया जा रहा है। और अभी जो थोड़ा बहुत काम बाकी है और कुछ दिनों के भीतर ही ये फेरी बोट केवड़िया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शुरू की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी करता जरा पण अंशे उतरतू न होय ते माटे एक विश्व कक्षानी सवलतो आपणे अहीं आपवा मांगीए छे। ते सवलतोना एक भाग रूपे अहींथी जे विजिटरो बाय बस आवे छे स्टेच्यूमां अथवा तो बाय कार आवे छे, तेमने एक नवीन ट्रांसपोर्टेशननी व्यवस्था एटले के आपणे बाय बोट अथवा तो फेरी द्वारा स्टेच्यू सुधी आवी शके ते माटे खूब ज सुंदर व्यवस्था शुरू थनार छे। ते व्यवस्थाना भाग रूपे श्रेष्ठ भारत भवन पासे एक जेटी नुं निर्माण थयुं छे। त्यां जेटी थी प्रवासी फेरीमां बेसशे अने लगभग 6 किलोमीटरनो अंतर जे सरदार सरोवर डेमनुं जळाशय छे एमां पास करीने તે લગભગ 45 મિનિટના સમયગાળામાં સ્ટેચ્યુ સુધી પહોંચશે અને સ્ટેચ્યુ પર પણ અમે એક જેટીની વ્યવસ્થા કરી છે। ત્યાં આગળ એક અમે ગોલ્ફ કાર્ટની વ્યવસ્થા કરી છે કે જે પ્રવાસીઓ પોતે જાતે ચડી ન શકે પગથિયા, તેઓ ગોલ્ફ કાર્ટમાં પણ ઉપર સુધી આવી શકે તે માટે સુચારુ વ્યવસ્થાઓ કરી છે। ફેરી એકદમ તૈયાર છે, અહીંયા એનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે અને એમાં જે ટેકનિકલ બાબતો છે એ અત્યારે ચકાસણી હેઠળ છે। જેવી ચકાસણી પૂર્ણ થઈ જાય તે એ ફેરી એને કાર્યાન્વિત કરવામાં આવશે। બીજું આપને જણાવતા એ પણ આનંદ થાય છે કે આ ફેરી અત્યાધુનિક ફેરી છે, તેમાં પ્રવાસીઓ માટે જલપાનની પણ વ્યવસ્થા હશે, તેમજ તેઓને કંઈક એમાંથી ખરીદી કરવી હોય સોવિનિયરની તો સોવિનિયર શોપની પણ વ્યવસ્થા ફેરીમાં જ અમે કરેલી છે।